दोस्तों, हमारा यूनिवर्स 138 करोड़ साल पुराना है और इतने समय के दौरान हजारों गैलेक्सियां, लाखों सोलर सिस्टम और अरबों प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है, जिनमें से एक हमारा सोलर सिस्टम भी है। हमारे सोलर सिस्टम को जो चीज खास बनाती है वो है पृथ्वी, जिसने लाखों पेड़ पौधों, करोड़ों जीव जंतु और इंसानों को जन्म दिया। बाकी सभी प्लैनेट के अलावा पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन मौजूद है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे यूनिवर्स में पृथ्वी ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ मौजूद है? क्या पृथ्वी जैसे और भी ग्रह यूनिवर्स में मौजूद हैं? तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी जैसे और भी प्लैनेट्स यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिन पर चाहे तो हम इंसान भी रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कई पृथ्वी की तरह दिखने वाले प्लैनेट्स के बारे में पता लगाया है जिस पर हम इंसान भी रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं पृथ्वी की तरह जीवन जीने वाले प्लैनेट्स जिन पर इंसान अपना घर बनाकर रह सकता है। तो पहले नंबर पर आता है केपलर 62। केपलर 62 सिस्टम के दो प्लैनेट्स केपलर 62F और केपलर 62E, इन दोनों प्लैनेट को केपलर टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया और ये दोनों ही प्लैनेट्स एक ही सोलर सिस्टम का हिस्सा है जो हमारी पृथ्वी से 1200 लाइट ईयर्स दूर है। केपलर 62F प्लैनेट्स पृथ्वी से 40% बड़ा है। इस प्लैनेट का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इस प्लैनेट पर एक साल 267 दिनों का होता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस प्लैनेट के समुद्र में आज भी लाइफ मौजूद है और इस प्लैनेट का रेडियस पृथ्वी से 1.41 गुना ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम के सूर्य की तुलना में इस प्लैनेट का सूरज ज्यादा ठंडा है, जिसका ये प्लैनेट चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट पर पृथ्वी के कंपेयर में तापमान बहुत कम रहता है। ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से बड़ा तो है, लेकिन बर्फ के दिग्गज प्लैनेट्स नेपच्यून और यूनिरस से छोटा है। इसकी इन्हीं खास विशेषताओं के कारण ये प्लैनेट हम इंसानों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसी प्लैनेट का पड़ोसी प्लैनेट है केपलर 62E। ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 1.6 गुना बड़ा है और ये प्लैनेट पृथ्वी की तरह ही रॉकी प्लैनेट है। इस प्लैनेट पर क्लाइमेट गर्म और ठंडा रहता है। केपलर 62E पर सिर्फ 122 दिनों का एक साल होता है। केपलर 62F और केपलर 62E ये दोनों प्लैनेट एक ही सूरज के चक्कर लगाते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार इन दोनों ही प्लैनेट पर आज भी लाइफ मौजूद है। दूसरे नंबर पर आता है केपलर 186F। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 500 लाइट ईयर दूरी पर है। इस प्लैनेट को सेकेंड अर्थ और अर्थ का कजिन भी नाम दिया गया है। इस प्लैनेट का रेडियस पृथ्वी की तुलना में 10% ज्यादा है। इस प्लैनेट का सूरज हमारी पृथ्वी के सूरज से थोड़ा कम गर्म है और ये पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है जो लाल छोटे सूरज का चक्कर लगाता है। और इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह घना वायुमंडल होने की आशंका भी मानी गई है। वैज्ञानिकों की माने तो इस ग्रह की उम्र 4 अरब साल हो चुकी है। केपलर 186F हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी धीमी गति से घूमता है। इस ग्रह पर एक दिन एक हफ्ते से भी बड़ा होता है और ये ग्रह देखने में पृथ्वी की तरह ही दिखता है। तीसरे नंबर पर आता है प्रोक्सिमा बी। ये प्लैनेट पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर दूर है। ये ग्रह अपने सबसे करीबी सितारे से काफी कम दूरी पर है और ये प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंट्यूरी नाम के सितारे का चक्कर लगाता है। प्रोक्सिमा बी हमारी पृथ्वी की तरह काफी बड़ा प्लैनेट है, लेकिन इस प्लैनेट पर काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन पहुंचता रहता है, जिसके कारण इस पर जीवन की संभावना भी कम हो जाती है। सिडनी के एस्ट्रोनॉमर्स की रिसर्च में ये पता चला कि प्रोक्सिमा सेंट्यूरी जैसे रेड ड्वार्फ सितारे जैसे लगातार बड़ी मात्रा में प्रोक्सिमा बी पर सोलर फ्लेयर और रेडिएशन बर्स्ट के जरिए आयना इंजिंग रेडिएशन पहुंचता है। इस कारण इस ग्रह पर किसी भी जीवन की मौजूदगी होना मुमकिन नहीं है। लेकिन करीब 6 साल पहले प्रोक्सिमा बी की खोज से विज्ञान जगत में काफी उत्साह था। उसके बाद से इस प्लेनेट पर और भी कई रिसर्च की गई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि वाकई इस प्लेनेट पर जीवन की संभावना हो सकती है। चौथे नंबर पर आता है ट्रैपिस्ट 1E।
ये प्लेनेट हमसे सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर है और ये प्लेनेट ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम का हिस्सा है जिसमें टोटल 7 प्लेनेट मौजूद हैं और ये सातों प्लेनेट्स हैबिटेबल कैटेगरी में आते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा रहने लायक है ट्रैपिस्ट 1e। अगर इंसान इस ग्रह पर रहेगा तो प्लेनेट से बाकी सभी ग्रह आसानी से देखे जा सकेंगे क्योंकि ये सारे प्लेनेट्स एक दूसरे से काफी कम दूरी पर हैं। ये प्लेनेट एक्सोप्लेनेट स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से खोजे गए 7 ग्रहों में से एक हैं। ये प्लेनेट अब तक के खोजे गए पृथ्वी के समान प्लेनेट में से एक माना गया है क्योंकि इस प्लेनेट पर पृथ्वी की तरह ही मास, रेडियस, डेंसिटी, ग्रेविटी और टेम्परेचर पाया गया है। वैज्ञानिकों ने खोज में ये पाया कि ट्रैपिस्ट 1e पर छाए बादल भी हाइड्रोजन मुक्त हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि इस प्लेनेट पर हमारी पृथ्वी की तरह कॉम्पैक्ट वातावरण होने की संभावना है। पांचवें और आखिरी नंबर पर आता है केपलर 450V। ये ग्रह भी हमारी पृथ्वी की तरह दिखने वाला पांचवा प्लेनेट है और ये पृथ्वी की तरह ही चट्टानी है। ये अपने तारे से उतना ही दूर है जितना सूरज से पृथ्वी। ये प्लेनेट ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा, इस कारण इस पर पानी और जीवन होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इस प्लेनेट पर पृथ्वी की तरह जीवन होने के कारण इसका दूसरा नाम अर्थ 2.0 भी रख दिया गया है। ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। इस प्लेनेट पर 385 दिन का एक साल होता है। ये हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा पुराना है और बड़ा प्लेनेट भी है। इस प्लेनेट का द्रव्यमान यानी मास हमारी पृथ्वी की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसके अधिक द्रव्यमान के कारण इस प्लेनेट पर कई तरह के सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। ये हमारी धरती से 10% अधिक ऊर्जा अपने सूरज से लेता है। ये अभी तक का पहला चट्टानी सुपर अर्थ है जिसे सूर्य जैसे तारे के रहने योग्य परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। तो दोस्तों, आज हमने आपको पृथ्वी की तरह दिखने वाले और पृथ्वी की तरह जीवन जीने की संभावना वाले 5 प्लैनेट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन पृथ्वी की तरह दिखने वाले ग्रहों के बारे में? क्या हम इंसान इन ग्रहों पर जा पाएंगे और क्या इंसान इन ग्रहों पर जीवन बसा पाएगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही मजेदार जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए।